ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में मदरसा चलाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल पर रोहिंग्याओं ने कब्जा कर लिया। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। मैडम ने कह दी थी? हाँ मैडम को बता दी थी। मैडम से परमिशन लेनी चाहिए थी आपको। किसने दिया परमिशन आपको? कौन हो आप? ये नमाज पढ़ने के लिए किसने कहा? किताब दिखा लो। क्या भैया ये क्या चल रहा है? फेसबुक लाइव चलाओ। फेसबुक लाइव करो, बुलाओ फेसबुक लाइव करो। गरीब बच्चे मासूम बच्चे बुलाए, बच्चे तुम यहाँ कब से रह रही हो? लाइव करो। गाड़ी में गाड़ी हाँ भाई, क्या नाम से बैठा? क्या बात है? सुनो और इसे बैठा लो। हाँ जी बैठा लो। दोनों बैठा लो। छपाई करता हूँ ये मौलाना। इनको पकड़ो। कैसे तुम्हारे यहाँ सबको बंद करो यहीं पे। वीडियो बनाओ अभी। बुरा देखिए ये प्राथमिक विद्यालय। देखिए ये प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर उर्दू का कलमा पढ़ा जा रहा है। खोली किताब खोली, अपनी किताब खोलिए। ये सारे मौलवी बैठे हुए हैं, यहाँ पर कलमा पढ़ा जा रहा है। ये देखिए सरकारी विद्यालय के अंदर क्या हो रहा है। सरकारी विद्यालय के अंदर वो चल रहा है। सरकारी विद्यालय के अंदर अनुसंधान बंद हो रहा है। क्या सिखाए हो? मारपीट सिखाते हो सबको? क्या सिखाते हो? तुम्हारा कलमा क्या बताता है? कोई नहीं जाएगा यहाँ से। जब तक के अंदर आप देख सकते हैं, आज छुट्टी के दिन ये किस तरह से नमाज और क्या क्या चल रहा है आप देखिए। आप देखिए कि किस तरीके से भारत में इस्लामीकरण को बढ़ाने के लिए लोगों से किस तरह से लोगों को इकट्ठा कर रखा है। चलो बैठो, चलो चलो तुम भी आ जाओ। दोनों बैठो, तीनों आओ, तीनों कहाँ रहते हैं सब? इसे शेयर करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है। ट्विटर और फेसबुक पर यह वीडियो दिल्ली का बताकर वायरल है, लेकिन इस वीडियो की असलियत कुछ और ही है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो में स्कूल के बोर्ड पर प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर लिखा है। ये यूपी के गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में है, यानी ये घटना यूपी की है न कि दिल्ली की। आगे ऑल्ट न्यूज ने गाजियाबाद के विजयनगर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। वहां के एसएचओ ने बताया कि विजयनगर इलाके में एक प्राथमिक विद्यालय में रियाजुद्दीन अपने परिवार के साथ रहता है। ये लोग स्कूल परिसर में ही रहते हैं और वहीं साफ सफाई का काम भी करते हैं। पुलिस ने बताया कि इनके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से इन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर वो ठीक हो जाएंगे तो कुरान खानी करवाएंगे। और कुछ समय बाद बच्चों के स्वस्थ होते ही उन्होंने कुरान पाठ आयोजित किया। ये उसी का वीडियो है। हालांकि पुलिस को स्कूल परिसर में कोई आपराधिक गतिविधि देखने को नहीं मिली थी, फिर भी स्थानीय लोगों की शिकायत पर इस मामले में जांच चल रही है। ऑल्ट न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि इन्हें कार्यक्रम के लिए अनुमति दी गई थी या नहीं, लेकिन ये घटना उत्तर प्रदेश की है और पुलिस के अनुसार इन लोगों ने कब्जा नहीं किया है।